गुड मॉर्निंग गाइस, और आज 22 जनवरी 2024, आप जानते ही हैं कि मैं इंदौर आया हुआ था। कल मेरा एक बहुत बड़ा सेमिनार था यहाँ पर, जो कि हमारे इंदौर के जो पार्टनर्स हैं एमिनस एडवाइस ग्रुप, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और लोग वीडियो में आना चाहते थे, उनको भड़काया मैंने भी। और आपको नज़र आ रहा है, या जो भीड़ नज़र आ रही है, ये है तो समय निकाल के, जैसा सब जानते हैं, क्योंकि मैं इंदौर आया हूँ और इंदौर की यही खासियत है कि दो ज्योतिर्लिंग इंदौर के पास पड़ते हैं, एक उज्जैन में जो कि फेमस महाकाल, और एक खांडवा में जिसे ओंकारेश्वर कहते हैं। और कोशिश, मैं दोनों जगह ही जाऊँगा दिल्ली वापस जाने से पहले। और उससे पहले यह भीड़ देखिए, दुकानों की लाइन देखिए, और दुकानों की लाइन है अरबिंदो हॉस्पिटल के बाहर। तो ये मध्य प्रदेश का नंबर वन प्राइवेट कॉलेज श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये इंदौर टू उज्जैन हाईवे है फेमस। और ये आपको लोकेशन बताता, देखिए इंदौर स्टेशन के पास ही मेरा होटल था, क्योंकि वहीं पर हमारा वो सेमिनार था जो कल हुआ। तो वहाँ से जब मैंने गूगल मैप देखा तो पूरा 11 किलोमीटर था। अब इंदौर फिर भी एक बड़ा शहर है, और उसके अंदर अगर आप आइडिया लगा लीजिए कि आप अगर ऐसे चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसकी बिगनेस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर ऐसे चल रहे हैं सो डेफिनेटली आप तो बाहर से, मैं हॉस्पिटल दिखाते करते बातें करता हूँ अपनी, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि चीज़ तो देखिए होगी ना। क्योंकि इंदौर आप जानते हो अभी भी क्लीनलीनेस में मिशन नंबर वन आता है, तो ये उतना बड़ा शहर है, या अंदर की रोड का आइडिया लगाइए, इतनी अंदर तक तो सड़क जा रही है। और तो पहले बात करते हैं लोकेशन की। जैसा हम जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश भी एक क्लोज स्टेट है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, लेकिन हर प्राइवेट कॉलेज में 15% NRI सीटें हैं, और यही ऑप्शन है आपके लिए इस कॉलेज में आने की। श्री अरबिंदो इंदौर में पड़ता है, इंदौर स्टेशन से जैसा मैंने कहा 10 किलोमीटर, और जो मेन इंदौर सिटी है वह तो आप चहल पहल देख ही सकते हैं, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, फिर मैं कहूँगा 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा बाहर हो गया मेन सिटी सेंटर से। और श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अब आपको एक आइडिया मिलेगा इसकी पूरी साइज़ का, यहाँ से आप देखिएगा कैसा बनाया हुआ है। और काफ़ी सारे यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज चलते हैं, और उसके हिसाब से काम किया गया है। यहाँ पर माली लगे हुए हैं, साफ़ सुथरा। साइज़ का आइडिया लगाइए, श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी साइज़ का आइडिया लगाइए। और मध्य प्रदेश फिर से जैसे मैंने कहा क्लोज स्टेट है, और क्लोज स्टेट होने के अलावा यहाँ पर एक मेधावी योजना चलती है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र की तरह SC ST के लिए तो फ्री एजुकेशन है ही, जनरल कैटेगरी के लिए भी मोस्टली बच्चों के लिए फ्री हो जाती है। MBBS कोर्स में सेम महाराष्ट्र की तरह, जिसकी वजह से किसी बच्चे को प्राइवेट सीट छोड़नी नहीं पड़ती फीस की वजह से। और तभी सारी जो कट ऑफ्स हैं वो इस कॉलेज के तो खैर 500 के भी ऊपर जाती है, मतलब बिल्कुल जैसे सरकारी ख़त्म होता है शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसे तो देने नहीं आपने, तो कोई कोई सीट क्यों ही छोड़ेगा। लेकिन उस कॉन्टेस्ट में मध्य प्रदेश में नंबर वन ये माना जाता है, बाय फार कोई शक की बात ही नहीं है, हर एक स्टेट का नंबर वन हमें क्लियर होता है। तो जहाँ तक पूरे मध्य प्रदेश की बात आती है, चाहे आप भोपाल में रहते भी हों, बच्चा श्री अरबिंदो प्रेफर करता है। हाँ, इसके बाद डेफिनेटली LNCT हो गया, या RD जो आपको मैंने उज्जैन का दिखाया था, दैट वुड बी सेकेंड चॉइस, और उसके बाद और भी चलता रहेगा। सो इस तरीके से चलता रहता है, और लोग बड़े प्यारे हैं। वीडियो में आना चाहते थे, अभी तो देखिए मेरे राइट साइड पे यूनिवर्सिटी चल रही है, क्योंकि ये श्री अरबिंदो यूनिवर्सिटी भी है। और यही मैं आपको एक और चीज़ फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ उस वीडियो के माध्यम से। अब इसका अभी तक देखिए चल रही है, तो तब से जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ मैं भी वॉक कर रहा हूँ बाहर वॉल पे, और ये इतनी चौड़ाई में है, और अंदर तो मैं घूम के आ चुका। तो OPD में इस समय बिल्कुल भीड़ लगी हुई थी, तो लाइन लगी हुई थी पैसे दे के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और ये इंदौर उज्जैन हाईवे चल रहा है। तो क्लोज स्टेट, कट ऑफ वेरी हाई। अब दो बातें, तो मध्य प्रदेश का बच्चा क्या करे जिसके 400 नंबर आते हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश में सीट है ही नहीं, और यह आप ले सकते हैं NRI। अब NRI का फ़ायदा ये है कि मध्य प्रदेश एक स्टेट है कर्नाटका की तरह, जहाँ पर NRI स्पॉन्सर जो होता है वो नॉन ब्लड रिलेशन भी अलाउड है। जी हाँ,
तो अगर आपके जो MCC बोलता है कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, राजस्थान बोलता होना चाहिए, हिमाचल बोलता है, बट मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश और कर्नाटका कहते हैं कि नॉन ब्लड भी चलेगा, दैट मीन्स एनी बडी इन इंडिया कैन गेट NRI CTH, चाहे आपको रिश्तेदार है या नहीं है, है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा काम और आपको सीट मिल सकती है। तो लोकेशन की बात करें, ये देखिए एक और गेट है, यहाँ से शायद आपको पता चल जाए कितनी गहराई में जा रहा है, और जैसे मैंने कहा ना खुले हुए गेट है यूनिवर्सिटी के, अंदर जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, गार्ड बाहर बैठे हैं गार्ड भैया, तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए मैं वो नहीं बताऊँगा। तो चल रहा है और जैसा मैंने कहा साइज इतना भयंकर इतना गहरा है कि पूछो मत, आपको बाहर मेंटेन गार्डन दिख रहा है जिससे पता चलता है कि अच्छे तरीके से पैसा खर्च किया जाता है, और यही चीज़ होती है जो आपको हिंट देती है क्वालिटी के बारे में। तो चाहे मैं लोकेशन की बात करूं, फैकल्टी की बात करूं, पेशेंट फ्लो की बात करूं, क्वालिटी की बात करूं, रहने की बात करूं, इंदौर मशहूर है अपने खानों के लिए, नाश्तों के लिए, इंदौरी पोहा पूरे इंडिया में फेमस है और मज़ा आता है, बहुत शान शहर है, अच्छा शहर है, इंडिया का क्लीनेस्ट शहर है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल ही रही हैं। तो किसी भी तरीके से मनाई तो है ही नहीं, बस सीधी सी बात तो ये है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे हैं, दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने फिर से कहा नहीं, कभी कभार हम बहुत पैसा खर्च करते हैं किसी फालतू डीम्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, क्योंकि हमारे मन में पता नहीं क्या गलतफहमी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बेटर होती है, पर चलो जिसके मन में है भी, फिर मेरा उससे क्वेश्चन ये आता है कि उनको लगता है कि जो MCC काउंसलिंग कराती है ना वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है और दूसरी नहीं होती। तो भाई ये श्री अरबिंदो भी अपनी ही डिग्री देता है, ये भी आप अरबिंदो यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलती है, तो प्रैक्टिकली यहाँ पर भी आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लेकिन चूँकि इसकी में रिजर्वेशंस हैं, सब कुछ है, इसलिए इसकी काउंसलिंग फिर से MCC ना करा के मध्य प्रदेश स्टेट करा रहा है, ये तो फ़र्क हो गया ना, लेकिन है ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी के चाहने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी ऑप्शन है। अब वही मेरी पॉइंट आता है कि हम आलस की वजह से 1:40 गीतम विशाखापट्टनम को दें, या उतना ही हम तमिलनाडु की कॉलेजेस को दें, या 1:70 DY पाटिल को दें, या हमें अगर NRI सीट यहाँ की मिल जाती है 1.5 में भी तो हम अरबिंदो में लें। NRI सीट में ये नहीं कह रहा आपसे कि आप फालतू कॉलेजों की लो, जो मैंने आपको दिखाई था महावीर भोपाल या सुख सागर जबलपुर या इंदौर साइड पे भी, इसके अलावा भी दो कॉलेज हैं इंडेक्स और LN City जो उतने शानदार नहीं है जितना ये है, मैंने सुना है क्योंकि मेरे जैसे कहीं इंदौर में भी हमारी पार्टनर टीम है ही, और उन्होंने बताया कि सर अरबिंदो हॉस्पिटल तो बिल्कुल वही है कि सस्तों के लिए, मतलब उसका यही शब्द था कि कम बजट में उसमें पूरी भीड़ लगी रहती है सरकारी वालों की, तो कुछ पैसा देके भी इलाज कराते हैं, नहीं तो जो आयुष्मान के अंडर आ गया, जो एक लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट हो गया जो आयुष्मान भारत के ऊपर है, लेकिन वो अपोलो और बॉम्बे हॉस्पिटल और धीरू भाई कोकिला मेन अस्पताल की फीस नहीं दे सकता, ये तीनों अस्पताल इंदौर में हैं, वो फिर यहाँ आते हैं। तो उसके अलावा सब कुछ बढ़िया, और शायद मैं फिर से आपको यही याद दिलाना चाहूँगा कि सोच समझ के फैसला कीजिए, और ये भी देखिए ये भी डीम्ड है, तो खास जिसके पास NRI का पेपर है, तो MCC का NRI सीट लेने से पहले इसको देखिए, कॉलेज का साइज़ देखिए, मेंटेनेंस देखिए गार्डन की शानदार, और यही अंदर था। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। आप जानते ही हैं हमसे काउंसलिंग करानी है तो 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, हम फ्री में बात नहीं करते, 2,500 रुपये फ़ोन काउंसलिंग के, 5,000 रुपये फेस टू फेस पहली मीटिंग के, और फिर जो भी आपका पैकेज होगा वो आपको दे दिया जाएगा आपके नंबर आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। जिस तरह से भाई अगर आपके पास NRI पेपर्स नहीं और आप चाहते हैं हम आपके लिए NRI ढूंढ दें मध्य प्रदेश की सीट के लिए, क्योंकि इसमें अलाउड है नॉन ब्लड और अलाउंग विद कर्नाटका, तो उसकी तब हमारी मेहनत बढ़ जाती है, तो हमारे चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, और वही हमारा 1.5 लाख का पैकेज होता है 30,000 से शुरू होकर, नहीं तो मोस्टली हम आपके लिए 75,000 से 90,000 पैकेज में आपका काम हो जाता है। ओके, वंस अगेन हैव अ नाइस डे, और चूंकि मैं वैसे बहुत सेकुलर इंसान हूँ और धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करता हूँ स्टिल, जय श्री राम। आज 22 जनवरी का पावन दिवस है और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और पूरा इंदौर भी कहता भगवामयी हो रखे, हर जगह देखिए और पूरे इंदौर में ही चल रहा है, बहुत दुकानों में रास्ते में मुझे पटाखे बिकते हुए नज़र आए, तो आज शाम को बाकी लोग ऐसे हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं आपस में, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और फिर से देखिए और अरबिंदो बहुत शानदार।